किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत है जैविक खेती की मेरी दुनिया में। किसान भाइयों, आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं वेस्ट डिकम्पोजर किसानों के लिए वरदान का दूसरा भाग। इसमें जो मेरे पास सवाल आए हैं किसानों के, जो पूछते रहते हैं, उनको इकट्ठा किया है और उनका जवाब देने की कोशिश की है। कुल 8 सवाल हैं, ये 8 बिंदु मैंने बनाए हैं जिन पर हम आज चर्चा करेंगे। पहला सवाल है कि वेस्ट डिकम्पोजर को किस प्रकार बनाएं। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद ने और डॉक्टर प्रसन्न चंद्र ने अपनी वीडियो में बताया है और दिखाया है, आप उसको देखें। लेकिन उसके बाद भी कुछ किसान भाइयों की कुछ संशय रहती है, जो उचित भी है। वेस्ट डिकम्पोजर बनाने के लिए एक आपको चाहिए वेस्ट डिकम्पोजर की सीसी, जो आप के पास होनी चाहिए, या वेस्ट डिकम्पोजर अगर आपके पास पहले से है तो उसका कल्चर। अगर आप पहली बार बना रहे हैं और आपके आसपास कोई किसान है तो उससे आप आधा लीटर या एक लीटर वेस्ट डिकम्पोजर का कल्चर ले सकते हैं। दूसरी चीज की आवश्यकता होती है एक ड्रम या बाल्टी। अगर आप किचन गार्डन आपके पास है तो आपको 20 लीटर बहुत होगा, और अगर आप किसान हैं तो आपकी जमीन के हिसाब से आपके पास सामान होना चाहिए। जैसा मैंने पहले भाग में बताया कि प्रति एकड़ में 1000 लीटर सिंचाई के समय आवश्यकता होती है, तो इस प्रकार जमीन के अनुसार आपके पास आपके ड्रम या जो प्लास्टिक का टैंक होता है, बड़ा स्टोरेज टैंक, वो होना चाहिए। तो हम ये मानकर चलते हैं कि पहली बार आप 200 लीटर का बना रहे हैं तो आपके पास 200 लीटर का प्लास्टिक का ड्रम होना चाहिए। और इसके लिए चाहिए गुड़, जो खाने वाला गुड़ होता है। इसमें आपको जो है ना, जो बिना मसाले वाला होता है, जिसमें हाइड्रो नहीं पड़ता, हाइड्रो जो है ना गन्ने के रस को जब उबलता है तो उसको साफ कर देता है और उसका गुड़ चमकदार हो जाता है, ऐसी आवश्यकता नहीं है। इसमें बिना हाइड्रो के मसाले वाला ही गुड़, जो थोड़ा सा देखने में हल्के गहरे रंग का होता है, तो वो अच्छा माना जाता है, जिसे हम घर पर खाते हैं वो गुड़ होना चाहिए। अब आता है सवाल, इसमें कितनी मात्रा होगी। तो 200 लीटर बनाने के लिए जो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र ने रिकमेंड किया है वो है 2 किलो गुड़। तो आपको चाहिए 1 cc या एक बोतल कल्चर, 200 लीटर का एक ड्रम और 2 किलो गुड़। गुड़ को तोड़ लीजिए, ड्रम में डाल लीजिए, उसमें 200 लीटर के करीब पानी भर दीजिए, और फिर उसमें अगर कल्चर है तो आपके पास कल्चर डाल दीजिए, और अगर आपके पास सीसी है तो सीसी खोलकर सीसी का जो अंदर फंगस दिखाई देगी उसको लकड़ी से निकालकर उसमें डाल दीजिए, और 3-4 मिनट एक डंडे से चलाइए। कोशिश करिए कि डंडा प्लास्टिक का, लकड़ी का होगा तो भी चलेगा। दिन उसको 3-4 मिनट चलाइए और आप देखेंगे कि तीसरे दिन से उसका रंग बदलना शुरू हो जाएगा, और जैसे आजकल मौसम है गर्मियों का, 5वें दिन आपका वेस्ट डिकम्पोजर तैयार हो जाए। इसमें कुछ सावधानियां रखनी है कि वेस्ट डिकम्पोजर को ढककर रखिए, अगर इस पर बारिश का पानी पड़ गया या पहाड़ से कोई पानी पड़ गया खराब जो है ना, तो इसमें बदबू आने लगती है, ये हमने पहले भी बताया था। और कोशिश करें बिना मसाले वाला गुड़ लें। गुड़ की जगह आप सीरा भी ले सकते हैं, आप जो है ना वो गन्ने का रस भी ले सकते हैं, अगर गुड़ नहीं है तो उसको भी ले। अगर आप इसको बहुत अधिक मात्रा में बना रहे हैं, बहुत जल्दी आपको चाहिए, तो इसके पानी को घुमाने की बजाय रोटेट करिए कि एक छोटा सा मोटर लगा लीजिए जो नीचे से पानी निकले और ऊपर से उसको डालता रहे, तो वो पानी जो है ना रोटेट होगा, नीचे से निकलेगा ऊपर से जाएगा, इस तरह से रोटेट करिए, तो बहुत जल्दी आपका जो है ना वेस्ट डिकम्पोजर तैयार होता है। या आप कोई जो कूलर होता है, कूलर के फैन का एक पंप लगा दीजिए जिससे कि पानी नीचे से आए और ऊपर एक फुहारा बनकर छूटता रहे, और इसको चलाते रहिए बैटरी की सहायता से, तो बहुत जल्दी चलेगा। हमारा दूसरा सवाल है कि गुड़ की कितनी मात्रा। किसान भाइयों, मैंने एक वीडियो बनाया था कि जिसमें 5 किलो गुड़ से 3000 लीटर बनाया, कुछ लोगों ने उसे सराहा है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है, उन्होंने मेरा साहस बढ़ाया। तो जो रिकमेंड किया है एनसीओ ने, वो 2 किलोग्राम 200 लीटर के लिए किया है। इस प्रकार मेरे यहाँ 3000 लीटर बनाने के लिए मुझे 30 किलो गुड़ की आवश्यकता होनी चाहिए।
अब मैंने सोचा भाई 30 किलो गुड़ है, तो मैंने उसको क्या किया, एक ड्रम में पहली बार 1000 लीटर के टैंक में हमने उसमें 10 किलो गुड़ चाहिए था, तो हमने क्या किया उसमें 5 किलो गुड़ से भर और उसमें मोटर लगा दिया। तो वो दो तीसरे दिन हमारा वेस्ट डिकम्पोजर तैयार हो गया, हमें कोई फर्क नहीं लगा। फिर यही एक्सपेरिमेंट हमने किया कि हमने थोड़ा गुनगुना पानी लिया, उसमें 5 किलो गुड़ डाला और पूरे 3000 लीटर में हमने डाला, तो भी लगभग अच्छा ही बना। फिर मैंने दोबारा उसको किया तो मैंने थोड़ी मात्रा बढ़ाई, 10 किलो गुड़ में बना तो मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं लगा। फिर मैंने 15 किलो में बनाया तो मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं लगा। अब मैंने ये सोचा है कि जब मुझे इसका स्प्रे करना पड़ता है, मैं स्प्रे में करता हूं तो मैं गुड़ की मात्रा कम डालूंगा, और अगर मैं जड़ में दूंगा तो थोड़ी गुड़ की मात्रा बढ़ाऊंगा। तो मैंने स्टेबलाइज किया है कि मैंने सोचा है अब मैं 10 किलो से कम नहीं डालूंगा, 10 किलो गुड़ 3000 लीटर में डालूंगा, तो भी मैंने 1/3 पर आ गया और मेरी 2/3 जो है ना, यानी 2/3 मेरी इसमें बचत हुई। आप भी कर कर देखिए, जगत सिंह जी का एक वीडियो आया है अभी जिसमें एक किसान ने दिखाया है कि 200 लीटर के ड्रम में 2 किलो की बजाय उन्होंने 1 किलो गुड़ से ही कल्चर बनाया, और जो कल्चर उन्होंने 1 किलो गुड़ से बनाया उस कल्चर से दोबारा बनाया, और एक ड्रम में उन्होंने आधी किलो से भी बनाया। तीसरा है, कुछ किसान भाइयों ने मुझे लिखा है कि हमारे इसमें जो ना कीड़े आ गए, तो एक बार मेरे यहाँ भी आए थे, थोड़े चलने लगे कीड़े, जो ना सफेद कीड़े होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, तो उनसे घबराने की बात नहीं है, हमने डॉक्टर कृष्णचंद्र से पूछा था, इससे कोई घबराने की बात नहीं है। ज्यादातर क्या होता है कि ठहरे हुए पानी में कीड़े हो जाते हैं अक्सर। और आज एक किसान भाई का फोन आया कि मेरे कीड़े वो मर भी रहे हैं, थोड़ी बदबू आने लगी। कोई बात नहीं, उसको आप प्रयोग कर लीजिए, उसको आप अपने गोबर पर डाल दीजिए, सिंचाई में डाल दीजिए, और उसमें से थोड़ा सा छान कर बचा लीजिए और दोबारा नया बना लीजिए। कोशिश करिए गुड़ अच्छा हो, कीड़ों से बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, और थोड़ी सी ये रखिए कि उसको ढककर रखिए। चौथा पॉइंट है बदबू की समस्या, कि बदबू क्यों आती है। एक किसान भाई है आरसी मिश्रा कन्नौज से, उन्होंने मुझे बताया कि जब आप टैंक को खुला रख देते हैं, अगर उसमें बारिश का पानी चला गया तो अगले दिन से ही जैसी गटर की बदबू आती है, इस प्रकार की बदबू आने लगती है। इस समस्या से निजात पाने के लिए मैं फिर भी यही कहता हूं कि उस कल्चर को आप फेंकिए नहीं, उसको अपना जो गोबर का आपका इकट्ठा पड़ा है, अवशेष पड़े हैं, उन पर डाल दीजिए, खेत में डाल दीजिए, और दोबारा से बनाइए। एक सावधानी और रखिए आप, ये मैं एक सावधानी बना रहा हूं, जो अगला पॉइंट है सावधानी का, क्या सावधानी बरते। तो बदबू की समस्या को दूर करने के लिए आप टैंक को खुला मत छोड़िए, जो आपका उसको ढककर रखिए, बारिश के पानी से बचाइए, और गटर जैसी बदबू से घबराइए मत, उसको प्रयोग कर लीजिए। ये हुई आपकी बदबू की समस्या। अब अगला पॉइंट आते हैं, इसमें कुछ सावधानियां बरतनी आप, जो भी जहां भी बनाएंगे आप, अगर इस छोटे ड्रम में बना रहे हैं या बड़े टैंक में बना रहे हैं, तो उसको कोशिश करिए ढककर रखिए, उसमें बाहर से कुछ न गिरने पाए, तो इस प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। दूसरी सावधानी ये रखिए कि गुड़ कोशिश करिए बिना मसाले वाला हो, या सीधा आप गन्ने का रस का प्रयोग कर लीजिए, और अगर आपको जो मोलेसिस बोलते हैं, जैसे सीरा बोलते हैं, अगर वो मिल जाए तो वो भी अच्छा होता है, उसमें कोई बुराई नहीं। तो पहला कोशिश करिए आपके पास गुड़ हो, अगर गुड़ नहीं है तो गन्ने का रस ले लीजिए, अगर गन्ने का रस नहीं है तो आप सीरा ले लीजिए, इन तीनों चीजों से आप बनाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। एक सावधानी और रखिए, पहली बार जब आप बनाएंगे तो थोड़ा सा उसको 5 लीटर या 10 लीटर उसको अलग से कर लीजिए, मैं तो ये रिकमेंड करूंगा कि 20 लीटर एक अलग बाल्टी में रखकर ढक लीजिए, और अगली बार फिर उसमें से ही बनाते रहिए। जो आपने बनाया उसको खर्च कर लीजिए और उसमें से 1 लीटर डालिए, और फिर 200 लीटर बनाइए, उसको प्रयोग कर लीजिए, फिर उसमें जो कल्चर रखा उसमें से 1 लीटर निकालिए, डालिए और फिर बनाइए। 1 लीटर से भी बन जाता है, डॉक्टर कृष्णचंद्र ने अपनी वीडियो में बताया। अगला सवाल है जो छठा बिंदु है, कुछ लोगों ने पूछा कि मेरे जो TDS है 600 से 700 है, क्या मैं बना सकता हूं। ये सवाल हमने डॉक्टर कृष्णचंद्र से पूछा, उन्होंने कहा जी, तो खारे पानी से घबराइए नहीं, खारे पानी से अब वेस्ट डिकम्पोजर बनाइए और प्रयोग किए, इसमें कोई बुराई नहीं है, और आप इसके लगातार प्रयोग से देखेंगे कि जमीन पर इसका कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है। अगर इसकी वजह से आपके जमीन का पीएच भी बढ़ गया है तो आपका जमीन का पीएच धीरे धीरे कम हो जाए। तो खारे पानी से बना लीजिए, अगर आपका पानी खारा है कोई घबराने की बात नहीं।
अगला पॉइंट ये है कि ये कहां से मिलेगा। अभी भी कुछ भाइयों के आते हैं कि उनको नहीं मिलता है, तो आप जो आपके डिस्ट्रिक्ट का कृषि विज्ञान केंद्र है वहां से पता कीजिए, वहां से मिल सकता है। एनसीएफ गाजियाबाद को लिख सकते हैं, लेकिन उनके पास इतनी रिक्वेस्ट आती है, मैंने स्वयं जाकर देखा है कि उनको लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। amazon.in से मंगा सकते हैं, जो अमेजन की वेबसाइट है वहां से मिल सकता है। वो 10 सीसियां देते हैं लगभग 250 रुपए में, पोस्टेज के साथ में वो दे देते हैं, लेकिन कुछ लोगों की शिकायत आई है कि उनकी सीसी में कुछ अलग रंग का है। कोशिश कीजिए आपके आसपास कोई किसान हो तो एक बोतल ले जाइए, 1 लीटर आपको बहुत है, या 2-4 लीटर ले आइए उसके यहां से और आप बना लीजिए। कोई भी किसान भाई आपको मना नहीं करेगा। अगर फिर भी नहीं मिलता तो मैंने एक दुकानदार है मेरे पास में, मैंने उसको कहा है, वो गाजियाबाद जाते रहते हैं, कि आप वहां से 20-30 सीसी एक बार ले आए और लोगों को बेचना शुरू करें, आप थोड़े सर्विस चार्ज ले लीजिए उसमें। तो उन्होंने एग्री किया है, अगर आपको नहीं मिल रहा है तो मुझे लिखिए, लेकिन इसके लिए वो एक सीसी भेजने के लिए आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेंगे वो, जिसका 50 से 55 रुपए खर्चा आता है, पैकिंग करेंगे एक छोटे डब्बे में, इसकी कॉस्ट भी होगी, तो वो 30-40 रुपए अपने सर्विस चार्ज लेते हैं, तो 120 रुपए में। अगर आपको कहीं भी नहीं मिल रही है तो मुझे लिखिए, मैं उनको पास कर दूंगा, आप उनको ऑनलाइन पेमेंट कर दीजिए, वो आपको सीसी दे देंगे। अगला पॉइंट है बहुत अच्छा, हमारा टेलीग्राम पर अमेजिंग किसान ग्रुप है, तो उन्होंने लिखा है कि त्यागी साहब एक बात बताइए, ये हमारे ग्रुप पर चर्चा चल रही थी कि जब ये कचरे को अपघटित कर देता है, तो जब हम इसे जड़ों में देंगे तो क्या पौधे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पौधे की जड़ों को अपघटित नहीं करेगा। तो एक पुष्पजीत सिंह है हमारे किसान, उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, वो इसके बारे में काफी नॉलेज रखते हैं, कि उन्होंने कहा कि ये सिर्फ जो है ना, जो मृत प्राय वस्तु है उन पर ही काम करता है, जैसे कोई भी कचड़ा हो, पड़ा हो, घास फूस हो, तो किसी जीवित वस्तु पर ये काम नहीं करता, जीवित पर तो इसका फायदा ही होता है, तो ये कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन उन्होंने एक सावधानी भी बताई है, और जो सत्य है कि जब तक पौधा 20 दिन का न हो तो आप नहीं दीजिए। मैं जब भी खेत में कोई बीज बोता हूं तो उसको उनको उपचारित करता हूं वेस्ट डिकम्पोजर से। एक बार मैंने उड़द बोने के लिए तो आधा घंटा भिगो दिया, तो मैंने देखा कि सारे उड़द की जो सफेद उनका जो छिलका था वो उतर गया। तो मैंने फिर दोबारा डॉक्टर कशिन सर की वीडियो देखी, तो उसमें लिखा हुआ था मैक्सिमम आप जो है ना 5 मिनट के लिए भिगोइए। वैसे तो आप ये करिए, उनको डालिए और 1-2 मिनट बाद ही निकाल लीजिए और सुखा लीजिए, इतना अच्छा जर्मिनेशन होगा, ये मेरा स्वयं का अनुभव है कि बहुत अच्छा। तो आप घबराइए नहीं, इसे 1000 लीटर प्रति सिंचाई में दीजिए। आज ही अभी इस वीडियो बनाने से पहले पंजाब से एक किसान भाई का फोन आया, तो उसने कहा जी मेरे पास गोबर पड़ा है, ये एक पहला ड्रम तैयार किया, क्या मैं इसमें डाल दूं। मैंने कहा कितना पुराना, कहते जी 1 साल हो गया, 6-7 ट्रॉली है। किसान भाइयों ऐसी गलती मत कीजिए, गोबर जो कंपोस्ट होता है धीरे धीरे वो 6 महीने में हो जाता है, अगर आप कुछ भी नहीं डालते। अगर आप वैसे ही कंपोजर डालते हैं तो वो 1 महीने में हो जाएगा। जितनी जल्दी हो सके उसको प्रयोग कीजिए। अगर आप उसमें कुछ भी वैसे कंपोजर भी नहीं डाल रहे हैं तो गोबर को 5-6 महीने में उसको उठाइए, खेत में डालिए। तो मैंने उन्हें बताया कि आप खेत में डालिए और उसमें सिंचाई के साथ वैसे कंपोजर दे दीजिए, वो भी इसी तरह से काम। किसान भाइयों ये था भाग 2, जिस पर जो मेरे पास कुछ सवाल आए हैं उनका जवाब देने की कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में मुझे अवश्य लिखें, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसमें लाइक अवश्य करें। मैं अपनी किसी भी वीडियो में नहीं कहता, लेकिन इसमें कह रहा हूँ इसको लाइक अवश्य करें। और जो किसान भाई किसी और को जानते हो, उनके पास उनको नहीं पता हो, तो उन्हें कहिए कि हमारे टेलीग्राम अमेजिंग किसान ग्रुप से जुड़ें, जिसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। आप भी टेलीग्राम को डाउनलोड करें, क्योंकि हमारा ये ग्रुप अब व्हाट्सएप से शिफ्ट हो गया है। व्हाट्सएप पर 256 की लिमिट थी, हमारे मेंबर उससे ज़्यादा हो गए थे, हमें बहुत मुश्किल आ रही थी, इसलिए हमने ये ग्रुप टेलीग्राम पर शिफ्ट कर दिया। इसी के साथ आज्ञा लेता हूँ, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।